नारियों को समर्पित है। और ये जो कविता है वो अपने आप में एक प्रश्न है, एक द्वंद है जो नारी को लेकर मेरे मन में उठता है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि लोग नारियों से उम्मीद कुछ और करते हैं और उनका मतलब कुछ और है। तो इसी से प्रेरित मेरी आज की रचना है, आप आनंद लीजिएगा इस कविता का, कि बेटी रूह का श्रृंगार अरे कुछ बोलो ना, वो निर्मल गंगा धार अरे कुछ बोलो ना, बेटी रूह का श्रृंगार अरे कुछ बोलो ना। आगे पंक्तियां की, वो बेटी बनकर ब्याही थी घर इज्जत बनकर आई थी, वो बेटी बनकर ब्याही थी घर इज्जत बनकर आई थी, वो चुप रहे तो शर्मिंदा, वो चुप रहे तो शर्मिंदा और बोले तो रुसवाई थी, क्या चाहे ये संसार अरे कुछ बोलो ना, तुम चुप हो क्यों संसार अरे कुछ बोलो ना, औरत से तू है जिंदा बेटी पाके शर्मिंदा, औरत से तू है जिंदा बेटी पाके शर्मिंदा, क्यों शाख शाख तू डोले, क्यों शाख शाख तू डोले है बनकर नया परिंदा, ये कैसा है व्यवहार अरे कुछ बोलो ना, तुम चुप हो क्यों संसार अरे कुछ बोलो ना। और आगे की पंक्तियां की, औरत औरत की दुश्मन वो नोचे उसका तन मन, औरत औरत की दुश्मन वो नोचे उसका तन मन, वो ही तो बिगाड़े है जन, वो ही तो बिगाड़े है जन और माने अपना ये फन, औरत करती बेजार अरे तुम बोलो ना, बेटी रूह का श्रृंगार है सच क्या बोलो ना। और इस वीडियो की अंतिम पंक्तियां हैं जिसमें मैं कहने का प्रयास कर रही हूं कि एक बेटी क्या है और वो क्या चाहती है, कि बेटी सूरज की लाली वो इज्जत चाहे खाली, बेटी सूरज की लाली वो इज्जत चाहे खाली, मंजिल को करती है घर, मंजिल को करती है घर चाहे फिर हाथ हो खाली, बेटी रचती संसार अरे सच बोलो ना, फिर क्यों बेटी बेकार अरे तुम बोलो ना, बेटी रूह का श्रृंगार अरे सच बोलो ना। तो ये थी मेरी कविता, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस कविता के किसी विषय से जुड़े हों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।